सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का फोटो एडिट करने वाले हैं। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके सो गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे एक बैकग्राउंड ओपन कर लेना। उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो पेंसिल वाला आइकॉन दिखा रहा है, इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे आ जाना। यहाँ पे जो प्लस वाला आइकॉन दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके अपने मॉडल को यहाँ पे ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और इसको इस तरह से जूम करना है। तो गाइस, इसको जूम करने के बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी वाला ऑप्शन दिखा रहा है लास्ट में, थर्ड ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इसको यहाँ से इंक्रीज कर देना और इसको यहाँ से डन कर देना। डन करने के बाद यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है ऊपर, इस पर क्लिक करके व्यू एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे जो डबल एक्सपोजर दिखा रहा है, इस पर क्लिक करके पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे ये जो आइकॉन दिखा रहा है, इसको क्लिक कर देना और इस तरह से इसको इरेज कर देना। सेम जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको भी सेम इसी तरह करना है। सो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। इसको मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे राइट पे क्लिक करके इसको डन कर देना और यहाँ से बैक चले जाएंगे। तो गाइज़, वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, वापस डबल एक्सपोजर पे आ जाना। यहाँ पे एक और फोटो ऐड करना है, सेम वही वाला फ़ोटो ऐड कर लेना और इसको इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। और इसको छोटा करने के बाद यहाँ पे जो ओपेसिटी है, इसको इनक्रीज़ कर देना और राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना। वापस व्यू एडिट पे चले जाएंगे, एरो पे क्लिक कर देना और यहाँ पे व्यू एडिट पे भी क्लिक कर देना और डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे आइकॉन पे क्लिक करके ये जो डबल एक्सपोजर दिखा रहा है, डाउनवर्ड वाले एरो पे क्लिक करके इसको जीरो कर देना और इसको इस तरह से इरेज कर देना। तो गाइस, वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इसको मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ, आप वीडियो देखते रहना। Thank you.
तो गाइज यहाँ पे इसको इरेज करने के बाद यहाँ से इसको डन कर देना, वापस बैक चले जाएंगे, वापस पेंसिल वाले आइकॉन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट मोड पे ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। और इस पर क्लिक करने के बाद ये जो कॉम्बो वन वाला ऑप्शन दिखा रहा है, इस पर इसका फिल्टर यूज कर लेना, और जो फेस स्पॉटलाइट है इसको +100 कर देना, और स्किन स्मूथनिंग का इसको इसको +68 कर देना, और आई क्लैरिटी का इसको +74 रख देना, और यहां से इसको डन कर देना। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना, और इसको यहां से सेव कर लेना।